हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही एक ख़ास बात बताने वाली हूँ आप लोगों को, मतलब तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो अभी मैं सब्जी लेकर आई थी, सब्जी बहुत सस्ती मिल रही थी, जैसे कि टमाटर 10 रुपये किलो मिल रहे थे तो मैं 2 किलो लेकर आ गई, गोभी 20 रुपये किलो मिल रही थी तो 1 किलो लेकर आ गई, बंद गोभी, गाजर, क्योंकि गाजर का हलवा बनाना था इसलिए ये सारी चीज़ें लेकर आ गई। और सब्जी आज कुछ ज़्यादा सस्ती मिल रही थी, 10 रुपये किलो बैंगन, 10 रुपये किलो गोभी, 10 रुपये किलो टमाटर, सारी चीज़ें। टमाटर मैं पहले भी ला चुकी थी तो ये देख लीजिए, सारे टमाटर मैं इसमें निकाल के रख देती हूँ, जिससे खुले खुले रहेंगे ना तो ज़्यादा टाइम तक चल पाएंगे, ख़राब जल्दी नहीं होंगे। और दूसरी सब्जी को मैं थैली में बंद करके रख दूँगी, जिससे कि इसको हवा नहीं लगेगी और ये सब्ज़ी ज़्यादा समय तक अच्छी रहेगी। तो चलिए फटाफट से सारी चीज़ों को मैं रख देती हूँ फ्रिज में। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे वीडियो पसंद आता है, और नहीं आता तो क्यों नहीं आता, क्या कमी है मेरे वीडियो में, प्लीज़ मुझे इस ये ज़रूर समझाना, ज़रूर बताना। तो सारी चीज़ों को मैं फटाफट से रख देती हूँ। और इसमें मिर्ची थी तो मैंने कहा मिर्ची को इसमें थैली में करके रख देती हूँ, सारी चीज़ों को फटाफट से मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और फिर क्या है कि बाहर रह जाती है, दूसरा किसी काम में लग जाते तो हम भूल जाते हैं, तो सारी चीज़ें थोड़ी हवा लग जाती है ना, धनिया होता है, पालक, मेथी, तो मुरझा जाती हैं तो अच्छी नहीं टेस्ट आता उसमें सब्ज़ी में। फिर जब मुरझा जाती सब्ज़ी तो उतना टेस्ट नहीं रहता जितनी ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी का रहता है। तो चलिए फटाफट से हम अपना ये काम फिनिश कर लेते हैं, फिर देखते दूसरा कौन सा काम करना है। और आज का ब्लॉग भी हमारे साड़ी ब्लॉग ही है, जैसे कि आप लोगों को पसंद आते हैं ना साड़ी ब्लॉग, तो सोच रही हूँ कि ज़्यादातर आप लोगों के साथ में साड़ी ब्लॉग ही शेयर किया करूँगी। तो चलिए फटाफट से सारी सब्ज़ियाँ रख देती हूँ। और आज पता फ्रेंड मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं तेरे लिए सौतन लाऊंगा, मैं तेरे लिए सौतन लाऊंगा, तो बस वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज क्या है क्या नहीं, क्या बात हुई, क्यों झगड़ा हो गया मेरा मेरे हस्बैंड से, तो बस वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। तो भी वीडियो देखते रहिएगा। तो आलू को उबलने के लिए रखना था तो मैंने कहा छोटे छोटे आलू को देख लेती हूँ, उबलने के लिए रख देती हूँ, ठीक है। और ये दूसरे दिन का संडे का ब्लॉग, तो संडे का मैं काम कर रही थी, जितने भी बर्तन वर्तन रात को मैंने धो के रखे थे, मैंने कहा इनको फटाफट से पहले रख देती हूँ जाके। था क्या होता है कि रात को थोड़ा लेट हो जाते हैं ना, ये आते करीबन 11 या 10:30 बजे आते, तो खाना वाना खाते ना तो 12 बज जाते हैं, फिर कोई भी काम करने का मन ही नहीं करता कि बर्तनों को जहाँ के तहाँ रखूँ। तो जो भी बर्तन है सारे काम मैं सुबह में ही करती हूँ, बर्तन धो के यहीं रख देती हूँ, और फिर तुरंत के तुरंत रखूँगी ना तो बर्तन में पानी भरा रहता है ना, तो उससे निशान पड़ जाते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते। तो इनको मैं ऐसे उल्टा करके रख देती हूँ रात को, तो सुबह में इसको सारी मतलब यहाँ से जहाँ लगाने होते हैं वहाँ पर लगा देती हूँ। तो बस वही कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ। तो आज मैं सब्ज़ी बनाने वाली वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सूखी, एकदम सूखी सब्ज़ी बनती है। तो ले लेती हूँ मटर, 2-4 मटर, पता क्या मेरे घर फ्रिज ख़राब हो गया था तो सारी मटर ख़राब हो गई, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ इसमें से अच्छी अच्छी निकालूँ, सड़ गई है मटर कुछ कुछ, क्या एक क्या होता है कि एक तो मटर ख़राब होती है ना तो उसके सारी सारी मटर ख़राब हो जाती है। तो जितनी भी अच्छी अच्छी मटर वो मैं निकाल लेती हूँ और बाकी की सबको छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले मैं गोभी को लूँगी, थोड़ा सा गोभी, फूल गोभी, थोड़ा सा बंद गोभी, थोड़ी सी गाजर और मटर, एक आलू, ये सब्ज़ी बस। और सच बता रही हूँ इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, तेली तेल में बन गई थी क्योंकि उसमें छौंकी, उसको ढक दिया और फिर पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नमक डाला, नमक से पानी छोड़ दिया सब्ज़ी ने, तो फिर बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो ये देख लीजिए इस तरीके से मैं सारी सब्जियों को कट कर लेती हूँ। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ जिससे कि जल्दी पक जाएगा। तो गाजर लाई हूँ हलवे के लिए, हलवा भी बनाना है तो एक ही बहुत है क्योंकि हम दोनों लोग हैं तो इतनी में आसानी से हो ही जाएगा। तो फ्रेंड हाँ, मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर कर रही थी, हाँ तो बस वही है, कभी कभी हम लोगों में झगड़ा हो जाता है तो बोलते हैं कि तू चली जा कर, मैं दूसरे शादी कर लूँगा, मैं दूसरा ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते रहते हैं। तो बस वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। वीडियो बन गया था, वीडियो मैंने बनाया था, वो बोल रहे थे लेकिन वो पता नहीं कहाँ अचानक डिलीट हो गया वीडियो, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने कहा आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर कर देती हूँ कि वो कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते रहते हैं, बोलते कि मैं दूसरे शादी कर लूँगा, तेरी सौतन लाऊँगा, ऐसा कुछ बोलते रहते हैं। तो ये देख लीजिए सारी सब्जियाँ कट गई हैं। तो अब मैं जितनी भी है मटर उनको छील लेती हूँ
और छीलने के बाद फटाफट से सब्जी चौकनी, क्योंकि बच रहे करीबन 1.5। और मुझे आज दो बार मार्केट में जाना पड़ा क्योंकि उनको दवा लेने जाना था। तो ये वहीं से काम पे चले जा रहे थे, तो वहाँ से मुझे उनकी फ़ाइल थी ना, दवा की फ़ाइल, जो हॉस्पिटल वाली फ़ाइल, वो मुझे देने के लिए नीचे बुलाया, तो मैं चली गई। तो तब एक तो सब्ज़ी लेकर आई थी, दोबारा फिर कुछ काम पड़ा मुझे, तो फिर से दोबारा नीचे जाना पड़ा। तब सब्ज़ी सस्ती मिल रही थी तो मैं दोबारा से लेकर आ गई, टमाटर, गोभी, गाजर, ये सारी चीज़ें मैं दोबारा में लेकर आई। तो चलिए फटाफट से मैं सब्ज़ी को छौंक देती हूँ, तो आप लोग भी बनी रहिए हमारे साथ किस तरीके से। हर किसी को देखो, हर किसी का सब्ज़ी छौंकने का तरीका अलग अलग होता है। कोई जीरे में छौंकता है, कोई राई में छौंकता है, कोई मेथी में भी सब्ज़ी छौंकता है। मैंने देखा बहुत लोग मेथी में भी सब्ज़ी छौंकते हैं। तो ये देख लीजिए क्या करूँ, थोड़ा सा मैंने तेल ऐड कर दिया है, और तेल गर्म होगा तब तक मैं अपनी सारी सब्जियों को अच्छे से धो लेती हूँ। एक बार पहले से धोना चाहिए, एक बार बाद में धोना चाहिए, तो बस वही है। तो ये देख लीजिए, तो थोड़ी सी मैं कोई प्याज व्याज नहीं डाल रही उसमें, सिर्फ हरी मिर्ची डाल रही हूँ, दो हरी मिर्ची कट कर ली है। और वैसे भी भुजिया वाली सब्ज़ी में प्याज व्याज की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे बिना प्याज व्याज के भी अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। तो बस जीरा डाला हमने, जीरा शायद था नहीं, तो सिर्फ हरी मिर्ची डाली। उसके बाद हमने जो सब्ज़ी काटी है वो ऐड कर दिया, और उसके बाद इसमें नमक, हल्दी डाल के इसको थोड़ा चला के ढक देंगे, जिससे कि ये पक जाएगी जल्दी से। बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम लेगा, जब तक हम अपना दूसरा जो भी काम है वो सारे बर्तन वर्तन धोने, सारे काम निपटा लेंगे, तब तक हमारी सब्ज़ी पक जाएगी। बस फिर क्या रह जाएगा, रोटी के लिए रह जाएगी। तो फटाफट से रोटी भी कुछ नहीं, आज मेहमान आने वाले तो सोच रहे थे छोले और भटूरे बना दूँ, तो बस वही है। तो छोले भटूरे बनाने की सोच रही थी, तो छोले हमने सुबह में भिगो दिए थे, तो कैसे क्या बनाएंगे आप लोग देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो ये देख लीजिए, तो साथ ही साथ में सारे काम हम लोग निपटाते चलते हैं, तो हमारे एक साथ में दो तीन काम आराम से निपट जाते हैं, वरना एक एक करके हम काम करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो ये देख लीजिए, तो मैंने अभी भिगो ही नहीं थे, मैंने सोचा शायद भिगो दी, मैं भूल गई थी, तो अभी भिगो देना है। तो बज रहे एक, आराम से 2-3-4-5 बजे तक भीग जाएंगे आराम से। तो जितना भी है सारी सब्जी इसको यहाँ पे उठा के रख देती हूँ, 2 दिन से बाहर ही रखी हुई थी क्योंकि ये फ्रिज ख़राब हो गया था, अभी तो फ्रिज रिपेयरिंग हुआ भी नहीं है। हाँ, शाम को बोल रहा है आने की, तो देखती है कब आता है, कब रिपेयरिंग होती है। तो जितनी भी यहाँ की तामझाम थी, सोच रही थी कि मेहमान आने वाले अच्छा नहीं लगता, जो जितनी भी सामान था सारा वहाँ के जहाँ के मतलब जगह पर रख दिया। तो ये देख लीजिए, ठीक है, तो डिब्बे के ऊपर रख देती हूँ मैं सारे डिब्बे को, और टाँड थोड़ा ऊपर पड़ता है तो जितने भी डब्बे नीचे आ जाते, फिर मन ही नहीं करता कि इसको ऊपर रख दो, क्योंकि वहीं के वहीं पे फिर तो वो रह जाते हैं। तो ये देख ली, सब्जी को भी साथ ही साथ में हमको चलाना है, तो चलिए फटाफट से अपना सारा काम निपटा लेती हूँ और फिर देखती हूँ क्या है कि ये है क्या है पता, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नान खटाई है, ये हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ज़्यादा, मैं खाती नहीं हूँ मीठा। हाँ, वैसे कुछ स्पेशल आइटम हो गए मीठे में, गुलाब जामुन हो गया या फिर हलवा हो गया, कौन सा हलवा, गाजर या लौकी का, तो ही थोड़ा बहुत खाती हूँ, वैसे मुझे पसंद नहीं है मीठा। तो ये दिवाली का डिब्बा है, 2-3 अभी बांट दिए थे, फिर भी 2-3 रह गए हैं। तो चलिए फटाफट से अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, किचन की अभी रोटी बाकी है, तो किचन की रोटी बनाऊँगी थोड़ी लेट, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़े लेट से ही आते हैं इसलिए। तो अभी मैं जितने भी ये मशीन का काम है वो सब एक पोटली बना के घरी करके रख देती थी, क्योंकि इसकी कुछ चीज़ कम पड़ी थी, शायद चोली वोली कम पड़ी थी इसलिए। और उसके बाद फिर जितने भी सारे क्या बोलते हैं उसको कपड़े हैं, इनको फटाफट से मैं घरी करके रख देती हूँ और अंदर उठा के रख दूँगी, जिससे कि फिर अच्छे नहीं लगते ना। देखो, अकेले रहते तो कोई टेंशन नहीं है, काम टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन अभी तो सारा काम करना है फिनिश मुझे, ठीक है। तो ये साड़ी है मेरी, ये साड़ी भी मेरी कितने की आई थी पता आप लोगों को फ्रेंड, ये साड़ी मेरी 200 रुपये की आई थी, और इतना सॉफ्ट कपड़ा आप लोगों को घड़ी करते ही पता चल रहा होगा, मैं घड़ी कर रही हूँ तो आप लोगों को आसानी से पता चल रहा होगा कि एकदम सॉफ्ट सा कपड़ा है बहुत ज़्यादा। तो ये वाली मैंने ली थी करवा चौथ पे, सोच रही हूँ कि आजकल आप लोग सोच रहे हो कि मैं साड़ी ज़्यादा क्यों पहन रही हूँ, बस ऐसे ही मेरा मन करता है इसलिए मैं पहन लेती हूँ जो भी चीज़ है। मैं मुझे कोई दबाव नहीं डालता कि मैं क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ, मेरा जो मन करता मैं वही साड़ी का मन करता मैं साड़ी पहन लेती हूँ, और टॉप का मन करता मैं टॉप, जीन्स का मन करता है जीन्स, नाइटी, जो भी मन करता है सारी चीज़ें मैं पहन लेती हूँ। तो मेरे कपड़े घर ही हो गए थे, तो मैं आ गई यहाँ पर पोंछा लगाने के लिए,
तो सोचिए, पहले मैंने बाहर वाले कमरे में पोछा लगाया और फिर अंदर वाले कमरे में पोछा लगाया, तो सारा काम हमारा फिनिश हो चुका, बस रोटी बाकी है। तो रोटी थोड़ा लेट बनाऊंगी शाम के टाइम, यानी कि 3-4 बजे मैंने इनको फ़ोन किया था, तो ये बोल रहे थे कि मैं आऊँगा 4 बजे के बाद आऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप आ जाओगे तो रोटी बनाऊँगी, इससे जल्दी बना के रखने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। ठीक है, तो आप लोग बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं फ्रेंड। और एक बात, मेरा एक चैनल और भी है जो सोमेंद्र की स्मार्ट दुनिया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग जाइए और वहाँ पर अगर अच्छा लगे तो वहाँ पर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ मैं टिप्स शेयर करती हूँ आप लोगों के लिए। तो फटाफट फटाफट से मेरा काम सारा निपट चुका है, आप लोगों के देखते देखते कोई साथ में हो रहा तो अच्छा, मतलब आप लोग को मैं अपना ही मानती हूँ, तो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ ना, तो फटाफट से काम निपट जाता है मेरा। तो चलिए, आप लोग बनी रहिए वीडियो पे, अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।